आप देख रहे हैं जेटीवी न्यूज। बांदा के रहने वाले एक 50 वर्षीय किसान खेतों पर गए हुए थे और दोपहर तक घर वापस नहीं लौटे, तो परिजन खेत पर जाकर देखा तो संदिग्ध अवस्था में पड़े मिले। तभी परिजनों ने आनंद फानन अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर सुनकर परिवार में कोहराम मच गया है। वही किसान के परिजन किसान की मौत जहरीले कीड़े के काटने का अंदेशा लगा रहे हैं। पीसी बांदा से अरबाज खान की खास रिपोर्ट। मेरा नाम रामचंद्र चतुर्वेदी है जी। क्या घटना हुई है आपके भाई को? मैं तो जो है शराब ठेकी में सेल्समैन नंबर 2 में। और सर जो है, जब मुझको सूचना मिली कि भाई जो है मशरूम खा रही थी खेतों पे, तो ये सुबह की भांत जो है रोज देखने जाता था और सुबह से घर नहीं लौटा जो है। करीब इसका लड़का जो है अनुभव जो है वो गया देखने खेतों में, तो ढूंढते ढूंढते जो है बंदी के नीचे जो है ये पड़ा था, तो गाय की गुहारी मारने लगा और चिल्लाने लगा। हमको भी फोन किया जो है, पड़ोस वालों ने भी जो है सब लोग पहुंच गए वहाँ हैं, फिर वहाँ फोन किया हमको। फिर वहाँ से कहाँ लेके आए? वहाँ से हम लोग सरकारी अस्पताल लेके आए जो है। डॉक्टरों ने देखा क्या बताया? डॉक्टरों ने देख के जो है उसको मृत घोषित कर दिया, परंतु अब उसके मेरी समझ में कोई वहाँ कीड़ा उड़ा जो है उसको काट लिया है, चाहे जैसा भी हो, कैसी बंदी बहुत है वहाँ, सर काफी है और मेड़ों के। इसके बाद क्या हो रहा है? पीएम करवा रहे हैं? हाँ, तो हम पोस्टमार्टम करवाने चाहते हैं। कौन है मृतक आपके? मेरा छोटा भाई है सगा, हम दो भाई ही हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामचंद्र चतुर्वेदी है। सर, अभी कुछ लोग एक व्यक्ति को लेकर आए अस्पताल पर, क्या हुआ है? अभी एक पेशेंट लाया गया है, यहाँ चेकअप के दौरान उसको मृत पाया गया है। उसमें कुछ अभी चोट का निशान तो नहीं उस तरह दिखे, लेकिन इस अवस्था में लाया गया, कुछ अभी क्लियर नहीं पता चल रहा है कि इसके मृत होने की संभावना कारण क्या है, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही बताएगी। हमने उसको देखा है, इसके बाद उसको पुलिस इन्फॉर्मेशन दे दी गई है।